चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड वन। स्टेप वन, एक न्यूट्रल कंडक्टर लेते हैं, ओके, इसको मैं नाम देता हूं ए। अब इस कंडक्टर को मेरे को चार्ज करना है, ऐसे चार्ज करना है कि मैं इसको किसी दूसरी चार्ज्ड बॉडी से टच ना करूं, यही फिनोमेना होता है इंडक्शन में, ओके। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चार्ज करेंगे इसको। तो मैं एक प्लास्टिक रॉड है जो कि चार्ज्ड है, इसके पास में रखता हूं, जो कि अनचार्ज्ड मेटल कंडक्टर है जिसको मैंने नाम दिया है ए। तो क्या होगा, इस मेटल कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस चार्ज प्लास्टिक रॉड की वजह से इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। और दूसरी साइड पे यानी कि राइट साइड पे यहां पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कंडक्टर को चार्ज करना है, लेकिन अभी भी ये न्यूट्रल है क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज यहां पे हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज चले जाएं और ये पूरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाए। तो मेरे को इन पॉजिटिव चार्जेस को निकालने का तरीका सोचना पड़ेगा, सोचें, ठीक है, चलो सोच लिया। स्टेप थ्री में मैंने एक अनचार्ज या न्यूट्रल कंडक्टर को लाता हूं जिसको मैंने नाम दिया है बी, और वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं ए कंडक्टर के साथ। अब जब हम दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है। कब तक होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन में पहले ही लेक्चर्स में देख चुके हैं, ओके। अब क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, यहां देख सकते हैं हम, यहां पे इस साइड पे ए के राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अब इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये कंडक्टर कुछ सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इसके पास तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जितने इसको चाहिए वो सप्लाई कर देता है। अब मुझे ये भी पता है, मैं देख सकता हूं यहां पे कि ये पॉजिटिव चार्ज है सारा राइट साइड पे, तो राइट साइड पे हाई पोटेंशियल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हाई पोटेंशियल होगा, तो यहां पे हाई पोटेंशियल है। और ये तो न्यूट्रल कंडक्टर था, ये तो न्यूट्रल कंडक्टर था, तो इसका पोटेंशियल जीरो होगा, तो जीरो पोटेंशियल और यहां पे इस साइड पे हाई पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ये जीरो वोल्ट पे था, ये कुछ हाई वोल्ट पे था, तो इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो हो जाते हैं। तो जितनी यहां डेफिशिएंसी थी उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए। अब यहां पे रह गया नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका काम हो गया, टाटा बाय बाय। अब इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं, तो हमने इसको टाटा बाय बाय कर दिया। उसके बाद अब ये दोनों रह गए। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे फोकस करिए कि अभी भी इस पॉजिटिव चार्ज रॉड ने इन नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करके रखा हुआ, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। अब आपको ये अभी भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हुए हैं पूरे सरफेस पे, जैसे ही आप इस पॉजिटिव रॉड को रिमूव करते हैं तो सारा का सारा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस पे कंडक्टर के, ये कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी कंडक्टर को, अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं विदाउट टचिंग, ओके। सो दिस इज द होल प्रोसेस। थैंक यू।